जलेबी बनाने के लिए मैं इसमें 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, मतलब कि 1/5 हो इसका। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर लूँगी। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, येलो है तो आप येलो ले सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम, और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं दही ले रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतली हो सकती है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको जलेबी थोड़ी ज़्यादा कुरकुरी चाहिए तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी मिला सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसकी एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली ना हो, क्योंकि ये जब हम पाइपिंग बैग में डालेंगे तो ये अच्छे से हमारी जलेबी बनेगी नहीं। ये देखिए ये हमारा रेडी है, तो हम इसको 15 से 20 मिनट तक इसे अलग से रख देंगे। चलिए तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। जितनी हम चीनी लेंगे उससे आधा पानी लेंगे। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। इसको 4 से 5 मिनट तक टाइम लगेगा इसको उबाल आने के लिए। जैसे उबाल आएगा तब हम इसमें नींबू डाल देंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है, अब इसमें हम नींबू डाल देते हैं। नींबू हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि ये चाशनी आपस में चिपके ना। अब इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इसका फ्लेम जो है हम उसको लो ही रखेंगे। ध्यान रखिए चाशनी को हमने बहुत देर तक नहीं पकाना, सिर्फ 5 से 7 मिनट तक एक तरह की चाशनी बनाएंगे। ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब इसकी फ्लेम जो है इसे ऑफ कर देते हैं। और चलिए आइए हम तब तक ये जो हमारा मटेरियल था हम उसको पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। चलिए आइए भर लेते हैं इसको पाइपिंग बैग्स में। मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने ये पाइपिंग बैग बना लिया। आप चाहें तो जैसे हलवाई यूज़ करते हैं कपड़ा, तो आप उसको कपड़े में भी डाल सकते हैं, या सॉस की बॉटल आती है तो आप उसको सॉस की बॉटल में भी डाल सकते हैं। देखिए इसको बंद कर देते हैं ऊपर से। और ये पाइपिंग बैग तैयार हो चुके हैं, तो इसके आगे से हम थोड़ा सा इसे कट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी जलेबी के लिए ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं। तो चलिए आइए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। मैंने कढ़ाई में मैंने इसमें देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी, बट मैंने इसमें देसी घी लिया है। तो चलिए आइए बनाते हैं। इसके लिए घी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपको रखना है। तो चलिए आइए बनाते हैं। देखिए हमारा घी बिल्कुल ठीक है, तो आइए हम जलेबी बना लेते हैं। देखिए एक थोड़ी सी जगह खाली भी है, हम थोड़ा सा यहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसकी फ्लेम का ध्यान रखिएगा, इसकी फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, इसकी फ्लेम बस आपको मीडियम ही रखनी है, लो से मीडियम। देखिए हमारी जलेबी रेडी हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं।
इसको निकाल के हमें साथ के साथ इसको चाशनी में डालना है। देखिए जो जलेबी है वो अच्छे से उसने चाशनी को सोख लिया है। इसको कम से कम हमने 5 से 6 मिनट तक इसे सोख के रखा पानी उसमें चाशनी में। तो अब हम इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। देखिए हमने इसे सर्व कर दिया और लास्ट में आप इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ते से कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है तो उससे आप कर सकते हैं गार्निश। ये देखिए हमारी जलेबी, क्रिस्पी जलेबी एकदम से रेडी है। ये देखिए कितनी क्रिस्प है, ये देखिए। तो आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।